हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो एक नहीं बल्कि एक साथ दो ड्रामा है। एक मॉडर्न लाइफ का और दूसरा हीरोइन जो कहानी लिख रही है वो कहानी, जो एक राजा रानी की कहानी है। और दोनों ही कहानी मस्त है, जहाँ एक लड़की अपने ही शादी को बचाने के लिए एक ऐसी कहानी लिखती है जो सभी को पसंद आती है। अब देखते हैं उसे पढ़ के उसकी पति कैसे रिएक्ट करता है। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन अपने शादी की फोटो देख के सोच रही थी दोस्ती से लव, और उसके बाद शादी होने के बाद भी अब हम डिवोर्स लेने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती थी वो मेरी केयर करे और मुझे थोड़ा सा टाइम दे। क्या मैं कुछ ज्यादा डिमांड कर ली थी? यहाँ कौन गलत है, मैं या वो? काश हमारे सोल चेंज हो जाते तो शायद हम एक दूसरे को समझ पाते। फिर वो जो कमिक आधी बनाई थी उसकी आगे का एपिसोड बनाती है कुछ चेंज करके, जिस कमिक का नाम था द ट्रस्ट। वो ड्रा करना शुरू करती है, फिर हमें कमिक्स की कहानी दिखाती है जहां दो ऑफिसर हाथ धो रहे थे। वहां रानिया के उन दोनों को मार के उनके ड्रेस पहन के चलते है कोर्ट को उनके मेड के साथ। मेड बोलती है, रानी हम अगर पकड़े गए पनिशमेंट मिलेगी। रानी बोलती है, गोली मारो उस पनिशमेंट को, मैं कब से राजा से नहीं मिली और पापा को तो 3 साल से नहीं देखी, आज वो दोनों कोर्ट में हैं, मैं क्यों ना जाऊं? मेड बोलती है, रानी हम क्या ऐसे जाएंगे, पकड़े जाएंगे जरूर। रानी बोलती है, क्यों? मेड बोलती है, हमें थोड़ा सा मेकअप करनी पड़ेगी, मूंछ भी लगानी पड़ेगी। ये सुनते ही रानी बोलती है, क्या? और उसकी पैंट उतर जाती है। मेड चारों ओर देख के रानी को पैंट पहनाती है। फिर वो दोनों चलते हैं कोर्ट को। कोर्ट में सभी आए थे, रानी सू यू के पिता भी। वो 3 साल से अपने पापा से नहीं मिली थी, वो जब से अंदर आई थी तब से ही अपने पापा को देख ही रही थी। फिर राजा आते हैं, फिर सुयु के पिता राजा के पास आके बोलते हैं, मैं 3 साल से बॉर्डर पे था लेकिन अब लग रहा है पड़ोसी के साथ हमारा जरूर वार होगा, हमें पहले ही अटैक कर लेना चाहिए, नहीं तो वो लोग भी वार के लिए तैयारी कर लेंगे। लेकिन दूसरे ऑफिसर सामने आके जनरल सू के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके साथ ही साथ वो जनरल सू के इंसल्ट भी करते हैं। ये देख के सू यू आगे आने लगती है लेकिन मेडू से रोक लेती है, ये बोल के राजा के सामने आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी पक्का। लेकिन अपने पापा का इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और आगे आके बोलती है, आप लोगों का ये बकवास बंद करो। जनरल सू अपने बेटी को सालों बाद देख रहे थे, वो उन्हें पहचान लेते हैं। रानी यू बोलती है, जामुसी देश आज नहीं तो कल हम पे अटैक करेगा, अगर मेरे पापा पहले से प्रिपेयर होने को बोल रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? वो वार फार गया भाड़ में, सभी ऑफिसर अब यू के पीछे लग गए। ये एक लड़की हो के कैसे आ सकता है कोर्ट में, राजा इन्हें पनिश कीजिए। जनरल सू ये सुन के बोलते हैं, ये मेरी गलती है, मैं मेरी बेटी को अच्छे से एजुकेट नहीं कर सका, राजा आप मुझे पनिशमेंट दीजिए, मेरी बेटी को नहीं। फिर ऑफिसर बोलते हैं, रानी यहाँ ऐसे आए हैं मतलब वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें तो मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा और कोई कुछ बोलने से पहले ही बोल देते हैं, उड़ू रानी को ले जाओ यहाँ से और माँ को बोलो इन्हें पनिश करने के लिए, आज के लिए इतना ही। कोर्ट डिसमिस होता है और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में रानी को राजमाता गाली कर रहे थे और राजा के सारे पत्नियाँ वहाँ आ जाते हैं, वो सब ये देखने आए थे राजमाता क्या पनिशमेंट देते हैं। फिर वहाँ पे एक लड़की पे ही वो सीधा जाके राजमाता को मस्का लगाने लगती है क्योंकि उसे रानी का पोजीशन चाहिए था। रानी यू वहाँ के मेन रानी थे, उनके नीचे राजा के सारे पत्नियाँ थे, इसलिए वो लोग आए थे मजे लेने के लिए। राजमाता बोलते हैं, तुम हमेशा राजा को प्रॉब्लम में डालते हो, आज तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन छोड़ना होगा। ये सुन के यू गुस्सा हो जाती है। राजमाता बोलते हैं, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? यू बोलती है, मैं मेरी पोजीशन किसी को नहीं दूंगी, अगर मेरी पोजीशन चाहिए तो राजा को बोलिए मुझे डिवोर्स दे दे। ये सुन के राजमाता गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानी भी
वहाँ से उठ के चल पड़ती है। मेयर के पूछने पर रानी बोलती है, मैं राजा के पास जा रही हूँ। उधर राजा के पास उडू रो रहा था। राजा बोलते हैं, क्या हुआ? वो बोलता है, रानी बहुत अच्छी है, हम सभी की अच्छे से ख्याल रखती है। वो 3 साल से अपने पापा से नहीं मिले और आप भी उनसे महीनों से नहीं मिले हैं, इसीलिए वो। राजा बोलते है, अच्छा तो तुम मुझे इस सब का जिम्मेदार बोल रहे हो? मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास इतना काम है, मैं हमेशा टाइम नहीं दे सकता उसे और उनसे दूर रहता हूं, इसीलिए उन्हें पनिशमेंट कम मिलता है। तभी जनरल सू आके बोलते हैं, राजा जामुसी अपने सेना के साथ हमारे देश पे अटैक करने आ रहा है। राजा बोलते हैं, आपका सजेशन क्या है? सू बोलते हैं, मैं अभी निकल रहा हूँ फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए, लेकिन राजा क्या मैं जाने से पहले मेरी बेटी से मिल सकता हूँ? राजा बोलते हैं, आप टेंशन ना ले, मैं यू की अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर जनरल सू अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे ये सोच के दुखी हो के बाहर निकलते हैं और बाहर यू को देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। फिर जनरल बोलते हैं, मैं वार में जा रहा हूँ, तुम अपने ख्याल रखना और हाँ ये लो, ये सब मैजिक स्टोन है, मैं इसे उत्तर दिशा से लाया हूँ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तुम इस ब्रेसलेट को हमेशा पहने रखना। और वहाँ से चले जाते हैं। रानी थोड़ा सैड हो जाती है, फिर वो आके अपने तलवारबाजी प्रैक्टिस करती है। राजा ये देख के उसके पास आते हैं तो यू पूछती है, कौन से पनिशमेंट मुझे देने वाले हो राजा आप? राजा बोलते हैं, ये लो इस लिस्ट में लड़कियों के नाम है, इनमें से मेरे लिए एक पत्नी ठीक कर दो। यू उस लिस्ट को फेंक के बोलती है, क्यों? अभी तो पे ही मेरी पोजीशन पे है, आप एक काम करो उसे बोल दो, वो आपके लिए एक अच्छी वाली लड़की ढूंढ लेगी। राजा चिढ़ते हुए बोलते हैं, तुम हमेशा मुझे टेंशन क्यों देते हो? क्या रानी का काम होता है टेंशन देना? यू बोलती है, तो रानी के काम क्या होता है? मैं तो यहाँ चुपचाप मेरी तलवारबाजी कर रही हूँ, किसी को परेशान कर रही हूँ क्या? कौन मेरी तलवार का मार खाना चाहता है? सामने तो आए। राजा बोलते हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तब दोनों एकदम से पास आ जाते हैं। यू बोलती है, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? राजा रानी के बाल में एक पत्ता देख के उसे निकालने को हाथ बढ़ाते हैं। इधर यू सोचती है, मेरे पास क्यों आ रहा है ये? महीने हो गए हमें इस तरह क्लोज हुए, फिर मुझसे दूर रहो बोल के वो धक्का दे देती है। राजा सीधा पानी में गिर जाते हैं। राजा को तो स्विमिंग भी नहीं आता था, ये याद आते ही रानी तालाब में छलांग लगा के राजा के पास जाके उनके मुंह पे ऑक्सीजन देते हैं। तभी यू के हाथ में जो मैजिक स्टोन वाला ब्रेसलेट था वो चमकने लगती है। फिर जब राजा की आंख खुलता है वो अपने पास राजमाता को देख के डर जाते हैं। राजमाता पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? राजा बोलते हैं, हाँ। फिर अपने वॉइस लड़कों जैसी क्यों है सोचते हैं। फिर अपने बॉडी देख के चिल्लाने लगते हैं। राजमाता पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, कहीं पे दर्द हो रहा है क्या? तुम मेडिसिन पी लो, फिर उस यू को मैं देख लूंगी। ये सुन के राजा बोलते हैं, सुयू कहाँ पे है? रानी बोलती है, डोंट वरी तू बस ठीक हो जा, उसके बाद मैं तुमसे डिवोर्स दिला दूंगी। ये सुनते ही राजा बोलते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। और माँ के जाने के बाद उडू को बोलते हैं, उडू मुझे पिंच करो। तो उडू बोलता है, मैं नहीं कर सकता। तो राजा उडू को पिंच करते हैं, उडू चिल्लाता है। फिर राजा बोलते हैं, तो ये सपना नहीं है? राजा को होश आ गया है। ये सुन के राजा के दो पत्नी पेई और ताओ राजा को देखने आते हैं और एक दूसरे को देख के रोने की एक्टिंग करके राजा के पास आते हैं। उन दोनों को देख के राजा डर जाते हैं और बोलते हैं, रुको वहीं पे रुको, क्यों रो रहे हो तुम दोनों, बोलो पहले। पेई बोलती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए मैं रो रही हूँ। राजा बोलते हैं, तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो है ना, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ये भी तुम चाहते हो ना? पेई बोलती है, तो राजा बोलते हैं, तो ठीक है वहाँ जाओ जहाँ मैं गिर गया था और भगवान से प्रे करो जैसे मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी। मेरे परमिशन के बिना तुम वहाँ से जाना नहीं, और खुद वहाँ से चले जाते हैं। ये सुन के ताओ हंसती है और हंसते हुए बोलती है, रानी पेई
आप जाइए राजा के लिए प्रे करने के लिए और मैं जा रही हूँ खाने। ये सुनते ही पेई उसे रोक के एक चांटा मारती है। उधर यू की जब आंख खुलती है वो अपने बॉडी में नए नए पार्ट देख के चिल्लाने लगती है। तभी राजमाता आके उसे गाली करते हैं। सोयू तुझे क्या हुआ है, तू राजा को मारने पे क्यों तुली है। सोयू बोलती है, बाँ मैं ही तो राजा हूँ, तुम मुझे सोयू क्यों बुला रहे हो। राजमाता बोलते है, क्या तू पागल हो गई है। तभी उसके सामने राजा आके खड़े हो जाते हैं। सोयू राजा को देख के सरप्राइज हो जाती है। राजा बोलते हैं, माँ मैं इसकी खबर लेता हूँ, तुम जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। राजमाता जाने के बाद सोयू अपने आप को मिरर में देख के राजा को देखने लगती है। फिर पास आके राजा बोलते हैं, राजा मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। सोयू बोलती है, हमारी आत्मा शायद चेंज हो गई है। ये सुनके राजा बोलते हैं, क्या मतलब, सोयू अब राजा थी और राजा सोयू। आगे क्या क्या तमाशा होने वाला है देखते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, मैं अभी 2-3 ड्रामा एक साथ कर रही हूँ, इसलिए जो ड्रामा अच्छी लगे उसमें ज्यादा कमेंट कीजिए। जिसमें ज्यादा कमेंट होगा मैं वही ड्रामा पहले अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।